तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। ये प्यारा सा स्काई नेल आर्ट जो कि मैंने क्रिएट किया है, उसका मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए येलो नेल पेंट। येलो कलर के नेल पेंट से हमने क्या बनाना है? अच्छा, ऑलरेडी ना मैंने नेल्स पे ब्लू कलर का पेंट कर लिया हुआ है, स्काई ब्लू कलर का। ठीक है, स्काई कलर का नेल पेंट कर लिया है मैंने इसको, और अब मैंने येलो नेल पेंट लिया। अच्छा, स्काई में येलो क्या होता है? स्काई में येलो क्या चीज़ आती है? मतलब स्काई पे तो स्टार्स भी आते हैं, बट ये डे टाइम का स्काई है जो इस तरह का लाइट ब्लू दिखता है। रात को तो वो डार्क ब्लू में होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। सो स्काई में येलो कलर में होता है सन, तो हम यहाँ पे सन बनाने वाले हैं येलो कलर के नेल पेंट से सन। एंड यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑरेंज नेल पेंट। इससे मैं क्या करूँगी, इसकी थोड़ी सी जो रेज दिख रही होती है ना, इसको शफक बोल रहे थे, यानी कि मॉर्निंग सन जब होता है, जब वो राइज करता है, देन उस टाइम इसमें जो थोड़े थोड़े कलर्स आ रहे होते हैं, थोड़ा ऑरेंज सा दिख रहा होता है, थोड़ा रेड सा, पिंकिश सा दिख रहा होता है, शाम को भी कुछ इसी टाइप का दिख रहा होता है, बट शाम को तो इसका लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग, एलिगेंट और बहुत प्यारा होता है। बट हमने यहाँ पर मॉर्निंग का लुक बनाना है, सो मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल देने के लिए ऑरेंज कलर की इसकी वेव्स बनाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली है। और ये पता है, थोड़ा सा कार्टूनिक लुक है, यानी कि क्यूट सा दिखने वाला, बहुत प्यारा लगेगा। कह सकते हैं कि आपको आपके बचपन की याद फिर से आ जाएगी, बचपन के सुहाने दिन, उनकी यादें फिर से ताज़ा होने वाली हैं। तो अब हमने क्या लिया है? वाइट नेल पेंट। अच्छा जी, अब गेस करो जी, नेल पेंट वाइट कलर की क्यों उठाई है मैंने? स्काई में वाइट क्या होता है? स्काई में वाइट कलर के होते हैं, यार कितने समझदार हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, स्काई में वाइट कलर के क्लाउड्स ही होते हैं। सो हम यहाँ पर क्लाउड्स बनाएंगे, कुछ इस तरह से डॉटिंग करेंगे। अच्छा, ये सिंपल घरेलू टूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, सिंपल इस टाइप का एक सिंगल ब्रश तो हर किसी के पास होता है। नॉर्मली इस टाइप का ब्रश लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, या से थोड़ा सा माइनर सा होता है आई शेडो अप्लाई करने के लिए, इस टाइप के ब्रशेस सबके पास होते ही हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप यहाँ पे ना टूथपिक से भी बना सकते हो, टूथपिक ले लो या मैच स्टिक ले लो, ठीक है। हम अगर उसके लिए बना रहे हैं ना, कि अगर आपके पास नेल आर्ट टूल्स नहीं है तो आप ये यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको अच्छा, साथ साथ ना ब्रश को क्लीन करते जाना है नेल पेंट ड्राई होने से पहले, ताकि नेक्स्ट कलर लगे तो पहला वाला कलर उसमें मर्ज होकर कलर ख़राब ना हो, कलर बहुत प्यारा दिखे, सही है। इस तरह बड़े मज़े के। अच्छा, अभी ना गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है, गर्मियों में कैसे होते हैं क्लाउड्स? स्काई होता है बड़ा प्यारा सा, डे टाइम में दिख रहा होता है, सनी डे होता है बहुत प्यारा सा, एक साइड पे सन दिख रहा होता है। अच्छा, सन की तरफ हम देख नहीं सकते, वो एक तो गर्मी तो बरसा रहा था, बट डायरेक्टली हम देख नहीं सकते। बहरहाल उसको छोड़े, जब ना स्काई दिख रहा होता है बहुत प्यारा ब्लू सा स्काई दिख रहा होता है, और जब उसमें वाइट वाइट जो गर्मियों वाले क्लाउड्स होते हैं, यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारे दिखते हैं, जस्ट लाइक स्नो, बट वो स्नो नहीं होती, गर्मी में स्नो नहीं होती, क्लाउड्स होते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर ये ऑरेंजी रेड, ऑरेंज रेड, नारंगी सा कलर, नारंगी, नारंगी कौन सा कलर होता है? पर्पल होता है क्या, ऑरेंज होता है? नारंगी कलर ही नहीं पता मुझे, यार बताओ कमेंट्स में नारंगी कलर कौन सा होता है। कि मैंने ऑरेंज सा कलर, थोड़ा सा डार्क, जो रेडिश रेडिश डार्क ऑरेंज, रेड की तरफ जाने वाला ऑरेंज सा कलर है, यानी कि जो रेनबो में यूज़ होने वाला होता है, क्या उसे बोलते हैं यार, डार्क ऑरेंज, वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कलर। और एक लाइन तो ड्रा कर चुकी हूँ मैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डिटेल देने के लिए। अच्छा, माइनर सी पतली सी लाइन आपको रेनबो में ड्रा करनी है, बहुत ज़्यादा मोटी लाइन नहीं ड्रा करनी, पतली सी लाइन ड्रा करनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटा रेनबो नहीं बनाना, छोटा सा तो नेल होता है, तो पतली पतली लाइंस लगा के यहाँ पे हमने रेनबो को ड्रा करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये लाइट ऑरेंज, पहले मैंने थोड़ा रेडिश सा कलर लिया, नहीं नहीं चलो पिंक ले लेते हैं यार, इसके ऊपर पिंक अच्छा लगेगा, क्या कहते हो? चलो पिंक लेते हैं। तो पिंक कलर का नेल पेंट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, सेम वही मेथड को अप्लाई करते हुए मैं एक पतली सी लाइन बनाने वाली हूँ, और जो हमने रेड लाइन लगाई थी ना, उसके साथ साथ, बिल्कुल उसके साथ 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 ही, ऐसे बीच में गैप नहीं आना चाहिए, रेनबो के कलर्स होते हैं बिल्कुल आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं, और बिल्कुल साथ साथ होते हैं, उनमें गैप नहीं होता। सेम वही काम करते हुए मैंने इन सब को आपस में अच्छे से मर्ज करना है। ब्रश को मैंने क्लीन कर लिया है, नेल पेंट को मैं बंद कर रही हूँ घुमा 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 के, देन अब आगे ये, अच्छा ये वाली नेल पेंट हर बार मुझसे ओपन नहीं हो पा रही होती, मैं इसको दांतों से ओपन करती हूँ। अच्छा, मेरे नेल पेंट्स के ढकनों पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, उस पर चबाने के दांतों के निशानों के, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये टाइट बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट, तो ये ओपन हो ही नहीं पा रहे होते, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी से होते हैं। देन इसको
मैं मुंह में पकड़ के टाइट करके दबा के करती हूँ, समटाइम तो मेरा जबड़ा भी हिल जाता है, मेरे दांत हिल जाते हैं, ओए होए। बहरहाल बहरहाल फाइनली खुल तो जाता है ना, तो अभी भी खुल गया है। तो ये मैंने रॉयल ब्लू कलर लिया था, रॉयल ब्लू से मैंने छोटी सी बारीक सी पतली सी प्यारी सी रेनबो की लाइन ड्रा कर ली। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे ले ली ग्रीन कलर, रेनबो में ग्रीन कलर होता है। रेनबो में वैसे कलर्स होते कितने, 7 कलर्स होते हैं, एक ऑरेंज होता है, एक रेड होता है, येलो होता है, पिंक होता है, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, एक और कौन सा होता है, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, हाँ ग्रीन होता है, 7 कलर्स होते हैं। तो इसी टाइप के कुछ मिलते जुलते कलर्स यूज़ करने हैं आपको, सारे कलर्स ना भी यूज़ करो, मतलब इस तरह ना जैसे अब येलो और ब्लू होता है वो, सॉरी येलो और ग्रीन जो होता है वो मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लू कलर बन जाता है। इनको आपस में करके हम लगाएंगे ना थोड़ा सा ऊपर टैप टैप करके ब्रश, तो वो क्या होगा, आपस में मर्ज होंगे, सेंटर में खुद ब खुद वो एक ब्लू सी लाइन बन जानी है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। अच्छा अभी मैं लाइट येलो ले रही हूँ और लाइट येलो को मैं सबसे नीचे अप्लाई करूँगी, जो मैंने रेड लाइन लगाई थी ना डार्क ऑरेंज उसके नीचे। अच्छा जी ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा सा आपस में मर्ज करेंगे, ब्रश को सारे कलर्स के ऊपर थोड़ा 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 लाइटली टैप करेंगे, और ये थोड़ा सा और मैं सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा डिटेल देने के लिए, थोड़ा लुक को थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए, थोड़ा प्यारा लगने के लिए, मतलब पता चले कि यार रेनबो ऐसा तो ना लगे ना कि बस कलर थोप दिया उठा के, रेनबो दिखना चाहिए ना, तो इसीलिए। अच्छा ये 4 नेल्स तो डन हो गए, 2 पे आ गए जी क्लाउड्स, 1 पे आ गया जी सन, और 1 पे आ गई रेनबो, रेनबो। वैसे यहाँ पर ना आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बड़ा मज़े का रेनी सा है वेदर है, बहुत स्लो स्लो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे ना बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जिसे कहते हैं। अच्छा मैंने अभी यहाँ पे ब्लैक कलर की नेल पेंट सेलेक्ट की है। अच्छा ब्लैक से, अच्छा यार स्काई में ब्लैक क्या होता है, ब्लैक तो कुछ भी नहीं होता है, वो रात को जाके जी स्काई ब्लैक सा हो जाता है, डार्क सा होता है, डे में क्या होता है। यहाँ पे थोड़े कवे शवे मैंने सोचा उड़ा लूँ, थोड़े कवे शवे उड़ा लूँ, और तो कुछ था नहीं, तो थोड़े एंड वाली ना जो अपनी पिंकी फिंगर के नेल है उस पर ना थोड़े से कवे उड़ा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा ना, और स्काई में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। अभी वो अप कार्टून की बात करें तो इधर ने उसमें मतलब स्काई दिखाता है, वो कार्टून दिखाता है, इसके अलावा थोड़े बलून्स दिखाता है, वो घर उड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट स्काई है तो हमने यहाँ पर थोड़े से कवे उड़ा लेने। अच्छा कवे उड़ा के, कवे कवे तो मुझे ये कवे कवे कम मुझे मक्खी लग रहे हैं ज़्यादा। बहरहाल इसको ना मैं थोड़ा सा डिटेल देती हूँ, देन में साथ में थोड़े से ना मैं क्लाउड्स बनाती हूँ ताकि मक्खियाँ ना लगें, कवे ही लगें। तो बचपन में हमने ड्राइंग करते होते थे इस तरह से, तो इस तरह घर शर बनाते थे ऊपर, इसी तरह थोड़ा सा वी से डिज़ाइन बना के ना, थोड़ा वी सब, थोड़ा करवी सा वी बना के, तो वो हम कवे बनाते थे। तो ये मैंने कवे का लुक दिया कि जी स्काई में कवे शवे उड़ रहे हैं, कवे के अलावा कोई चीले हैं, कोई तोते कबूतर मैना, ये सारी चीज़ें, बट कवे तो होते हैं ना काले, तो ब्लैक कलर कवों के लिए हुआ ना, उसी को ये कर रिप्रेजेंट। अच्छा एट द एंड फाइनली 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 मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लूँगी और इस पर एक कोट लगाऊंगी ताकि ये सारे जो कलर है बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है। जो नीचे ब्लू नेल पेंट था बेस थी उसकी, उसके ऊपर जो डिफरेंट नेल पेंट लगा तो ये ना थोड़ा नॉन बैलेंस हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको स्मूथ और बैलेंस ही दिखाने के लिए, उसका थोड़ा सा शाइन देने के लिए, थोड़ा ब्राइट करने के लिए इसके ऊपर ना ट्रांसपेरेंट कोट लाजमी करना चाहिए, प्यारा लगता है, ठीक है। और अगर आप ऊपर सेपरेट चीज़ें कोई बीड्स कोई इस टाइप का ना नेल आर्ट कर रहे हैं, ऊपर स्टिक कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, देन उसके बाद तो आप लाजमी लगाएं ताकि वो ना उनकी जो है ना स्टिकनेस थोड़ी और जो है ना अच्छी हो जाए, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक यानी लॉन्ग लास्टिंग आपके नेल्स पर रह सके। सो फाइनली वी डिड इट, और ये बहुत प्यारा बहुत क्यूट सा बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है एक तो, और प्यारा लगता है। मैं अब भी आकर मैं कार्टून देखती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे इंटरेस्ट है, इनफैक्ट मैं कहती हूँ अपने घर की थीम में कार्टूनिक बना दूँ, कार्टूनिक थीम हो, कहीं पर डोरेमोन हो, कहीं पर जाके ओगी हो, कहीं पर टॉम हो, जेरी हो, पिंक पैंथर हो, फ्ला फ्ला सारे कार्टून्स वगैरह हो, मुझे तो अभी भी अच्छे लगते हैं। अच्छा इसमें कलर्स कौन से यूज हुए, सबसे पहले स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, पिंक, येलो और ब्लैक, वाइट, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज एंड ग्रीन, और एट द एंड फाइनली ट्रांसपेरेंट। ये हमने यूज़ किया है नेल पेंट सारे, टोटल कितनी होगी 10 नेल पेंट्स हैं, ठीक है, और एक हमने सिंपल सा नॉर्मल रेगुलर यूज़ होने वाला एक मेकअप ब्रश यूज़ किया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।